भोजन के समय पर हमको पानी नहीं पीना चाहिए, और भोजन के आधा घंटे के बाद में गर्मी हो तो, सर्दी हो तो और भी पौने घंटा, लगभग आधे घंटे में, क्योंकि जब भोजन और जल इकट्ठा हो जाता है वो पाचन होने में परेशानी पैदा करता है, क्योंकि जल तो पहला चला जाएगा आँतों में, जहाँ जहाँ छिद्र होगा पानी निकल जाएगा, आहार धीरे धीरे पचेगा। तो भोजन को पचने में, जैसे आप समझिए कि जो अग्नि है, अग्नि में पानी डाल दें तो उसमें कोई चीज़ आप रखोगे तो पकेगा नहीं। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझिए, बहुत सामान्य सी बात है कि जैसे हमने कोई बर्तन रसोई में पकाने के लिए हमने ऊपर रख दिया, कोई पदार्थ हमने डाला पकने के लिए और उस आग में हमने पानी डाल दिया तो पकेगा नहीं हुआ। तो इसी तरह से यदि जल के साथ भोजन को लेते हैं उससे जठराग्नि मंद होती है, इसीलिए वह भोजन पचेगा नहीं, नहीं पचेगा तो इंडाइजेशन होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, एसिडिटी बनने लगेगी, और ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो इंडाइजेशन से ही शुरू होती हैं। सबसे पहले हमारा पेट खराब होता है, किसी को दस्त लगने शुरू होते हैं, किसी को कब्ज़ होना शुरू होता है, किसी को एसिडिटी बनती है, फिर उसके बाद पाइल्स होगा, पाइल्स होने के बाद किसी को बहुत ज़्यादा जलन वगैरह शुरू होगी, किसी को फिर अल्सर हो जाएगा, किसी को फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को डायबिटीज़ हो जाएगा, वहीं से शुरू होती हैं बीमारियाँ। तो उस मूल को रोकने का उपाय यही है कि आप भरसक प्रयास करिए कि आपका पेट ठीक रहे। जैसे आपको बहुत कब्ज है तो आप कम आहार लीजिए, बहुत कब्ज है पपीता खा लो, फलों में अमरूद खा लो, पपीते से अच्छा पेट साफ हो जाता है, अमरूद से साफ हो जाता है। रात को त्रिफला ले लो, वो भी नहीं है तो मुनक्का सब जगह मिल जाता है, 20-25 मुनक्के को दूध में उबाल करके ले लीजिए, उससे पेट साफ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उनको कोई दवाई पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। हरड़ है, हरड़ को भून लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए, नहीं तो हरिता की चूर्ण मिलता है, पतंजलि का दिव्य चूर्ण मिलता है, त्रिफला चूर्ण मिलता है, अमल की चूर्ण मिलता है, हम इन चूर्णों को भी ले सकते हैं, ये सब गोल भी ले सकते हैं। जिनको थोड़े दस्त लग रहे हों, दही में या मट्ठे में ये सब गोल लेने से दस्त बंद हो जाते हैं, सबको पता है, और दूध के साथ ये सब गोल डाल करके ले लेने से जिसको कब्ज है उसमें लाभ होता है।